क्या क्या मुश्किलात रहीं, बड़ा सवेर जो है वो आप पे प्रेशर आया, आप अपने हालात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या जुर्म किया आपने? मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट का तौर करनी चाहिए, भी पाकिस्तान के वाम भी बहुत प्यार करते थे इनसे। फौज का बयानिया हमेशा पाकिस्तान की बका का बयानिया होता है। 10-12-15 साल से हम सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी जो रहे हैं, फौज जो है उसके बगैर पाकिस्तान कुछ भी नहीं। लेकिन जब पब्लिक फौज के साथ ना हो तो फौजें नहीं लड़ सकती। 9 मई वाले दिन आप कहाँ पे थे? 9 मई वाले दिन अली मैं उमरे पे था। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आपका रुझान जो है वो किस बुनियाद पर आगे बढ़ा? हम जब इलेक्शन लड़े और हमने सीटें हासिल की, मैंने ये रब्ता किया PTI वालों से, हमारे साथ तावन करें कि हम मिलकर पब्लिक की खिदमत करें। बड़ा मेरा फ़ैन था खान, और कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने मेरी बात को माना। ये कहते हैं जी इमरान खान जो है वो रियासत के खिलाफ है, नॉट एट ऑल। आज तक कभी उसने रियासत की खिलाफ बात नहीं। किस हद तक दुरुस्त है कि आपके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से रीसेंट पास्ट में भी बड़े मजबूत किस्म के ताल्लुकात रहे हैं, इतना मैक्सिमम लेवल पे आपको क्यों जो सा ये पेनिट्रेशन जो है वो लेके जाते हैं आपकी हद तक? ज़्यादा ऊपर वालों को तो पता भी नहीं होता, नीचे आपको पता है मामला, हर बंदा अपनी हाजिरी और कार्रवाई डालता रहता है। ये हासिल करने के लिए इस्तकाम पार्टी वाले भी कुछ नहीं करते रहे, नून वाले भी। तो भाई बात ये है कि आप मेरे मुंह पे क्यों कालक मलना चाहते हैं? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, जिन लोगों ने उनकी क्या पोजीशन बनी है ऑन ग्राउंड? हम सियासी लोग हैं, हमें सियासी फैसले करने हैं, हम तो पब्लिक के अंदर रहते हैं। ये आप इस वक्त के जो सियासी हालात हैं इनको कैसे देखते हैं? बेशुमार इन्होंने मेरे पे हमले हुए, मुझे पकड़ने की कोशिश की गई। 4 या 5 दफ़ा अल्लाह ने मुझे इस तरह बचाया जिस तरह के आप ये समझें कि एक मौजे से कम नहीं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा 2024 में इस वक्त जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है क्या देखते हैं आप? जुडिशरी के अंदर जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है, फैसले जो है वो इनकी मर्जी से करें, हालात तो बहुत ख़राब है। हुकूमत कितनी पायदार है, अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी? मैं समझता हूँ हुकूमत तो मुद्दत पूरी कर सकती नहीं, ये तो वैसी बिसाखियों पे खड़ी और लड़खड़ा रही है। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात साहब के दरमियान जो है बहुत सी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है, इसमें इकट्ठे नहीं होना चाहिए, बैठ के डायलॉग नहीं करना चाहिए। चौधरी शुजात साहब का काम था कि रोल अदा करते हैं, ऐसी पोजीशन में बैठे हुए हैं कि वो रोल अदा कर सकते हैं, इतनी इनकी कुर्बत थी वो नज़र लग गई है।